बोले सोनिहाल। सो ए इन्होंने सद्दा पत्र जड़ा है, ए सद्दा पत्र जो है वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नू नहीं, पूरी दिल्ली की संगत नू ए सद्दा पत्र दिता जा रहा है कि वध तो वध गिनती विचकार उत्थे पहुंचिया जाए। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हों सम्मानित भी किया जा रहा है। और सम्मान दे विच मैं प्रमोद कुमार जी आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में एक बहुत खूबसूरत किताब छापी थी, वो उसकी प्रति आपको दी जा रही है। साथ में 100% प्योर चांदी का सिक्का जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक साहब के नाम के ऊपर जारी किया था, उसका रेप्लिका ओरिजिनल चांदी का सिक्का जो है वो आपको भेंटा किया जा रहा है। और साथ में आपको बोले सो निहाल। और ये सिक्का है, ये सिक्का गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी किया था। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, ये सम्मान आपको पर्यटन मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी दिया जा रहा है। सुरपाओ हम उसी व्यक्ति को देते हैं जो कौम के लिए बड़ा काम करे। बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े मैंबर साहबान का भी। मैं हम बेनती करांगा श्री प्रमोद कुमार जी जिहड़े कि पर्यटन मंत्री ने बिहार सरकार दे, नीतीश कुमार जी के बिहाफ से तुहानू सारयां नू सद्दा देन आए ने। सो मैं बेनती करांगा कि वह चंद शब्द कहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी। बोले सोनिहाल। गुरु साहेब, गुरु बंगला साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने बाबा गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से हम आज इस बंगला साहेब के ऐतिहासिक दरबार से पूरे देश ही नहीं दुनिया के सभी सिख संगत परिवारों को अपने बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी के तरफ से, मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते पूरे दुनिया के सिख संगत परिवारों को आमंत्रण देने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ कि गुरु गोविंद सिंह की धरती पलकों बिछाए, अतिथ्य देवो भव। गुरु गोविंद सिंह की धरती पलकों बिछाए, अतिथि देवो भव के भाव से जिस प्रकार 350वां प्रकाश उत्सव पर्व मनाया, उसी प्रकार 351वां प्रकाश उत्सव पर्व मनाने की धूमधाम से तैयारी की है। और पूरे दुनिया के सभी सिख संगत परिवार के लोगों से, भाई बंधुओं से, माताएं बहनों से मैं आग्रह विनती निवेदन प्रार्थना आमंत्रित करने आया हूं। हमारी सरकार वहां सभी संगत को रहने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था की है और एक टोल फ्री नंबर भी दी है, जो नंबर है 1800123850। एक दूसरा नंबर है 1800123851। इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर आप जब भी फोन करेंगे, आपका टेंट सिटी में 24 आवर्स सेवा उपलब्ध है और आपको रहने का, सवारी का, लंगर का सभी व्यवस्था वहां सरकार और बिहार की तमाम जनता एकदम आतिथ्य देवो भव के भाव से सेवा करने के लिए बाबा गुरु गोविंद सिंह की धरती पलकों बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम आपसे अरदास करने आए हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आप गुरु गोविंद सिंह की उस धरती को एक बार चलिए, नमन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। मित्रों,
मुझे पिछले बार यूरोप और लंदन जाने का भी, वहां साउथ गुरुद्वारा में, साउथ हॉल में, वहां देश के बहुत से सिख परिवार के अपने भाई बंधुओं से मिलने का मौका मिला और सबों ने कहा कि जो प्रकाश उत्सव पर्व मनाया गया उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। और फिर उसी समान हम लोग प्रकाश उत्सव पर्व 351वां मना रहे हैं और इस अवसर पर हम पिछले दिनों कई प्रांतों में भी जाकर निमंत्रित करने का काम किया है और समाचार चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया के सिख परिवारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं इस बंगला साहिब के दरबार से कि आप एक बार बिहार की धरती, नीतीश कुमार एवं सुशील कुमार मोदी की धरती, पटना गुरु गोविंद सिंह की धरती पर आवे और इस प्रकाश उत्सव पर्व में एक बार गुरु गोविंद सिंह की धरती पर माथा टेक कर पुण्य के भागी बने, यही मैं आमंत्रण और निमंत्रण देने आया हूं। इसी विनती और अरदास के साथ एक बार बोलिए सोनिहाल। सत श्री अकाल जी, वाहे गुरु वाहे।